नमस्कार, मैं भीम प्रसाद खनाल नेपाल काठमांडू से, और मैं यहाँ कोलकाता आने का मतलब तीसरा ट्रांसप्लांट के लिए। नेपाल में तो संभव था ही नहीं, क्योंकि तीसरा ट्रांसप्लांट मेरा पहला लखनऊ में हुआ, उसके बाद मेरा चंडीगढ़ में हुआ। मैं दिल्ली में आया, एक दो हॉस्पिटल में पूछा, वहाँ पे भी बहुत मुश्किल है बोल रहे। उसके बाद कलकत्ता का डॉक्टर के लिए पता किया। यहाँ आके पता करने के बाद डॉक्टर डी एस राय बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तीसरी ट्रांसप्लांट के लिए सक्षम है बोला। उसके बाद मैंने ये हॉस्पिटल में आया। आने के बाद मैंने नीचे आके हेल्प टैक्स में पूछा, उसके बाद वहाँ से मेरा बिल बना के डॉक्टर डी एस राय को दिखाया। उसके बाद मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया। डायलिसिस स्टार्ट होने से डॉक्टर को पूछा, फिर ट्रीटमेंट का तो मतलब डोनर पेशेंट का मतलब 15-20 दिन चलता है। उसके बाद होने के बाद मतलब यहाँ का मीटिंग हो गए, मेरा ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो गया। डॉक्टर ने मतलब जल्दी ही कर दिया, क्योंकि यहाँ आने से मेरा तो बहुत दिन हो गया था, 8 महीने हो गया था, लेकिन यहाँ आना 1 महीने से मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। उसके बाद मेरा अभी तीसरा ट्रांसप्लांट है, बहुत अच्छा है चल रहा है। ये हॉस्पिटल का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के स्टाफ को लोग भी बहुत बढ़िया है। यहाँ नेपाल में तो संभव नहीं था, और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा मेरे। और डॉक्टर डी एस राय बहुत बढ़िया है, वहाँ पे वहाँ के जो स्टाफ लोग हैं बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो डॉक्टर मतलब अभी तक विश्व मतलब इंडिया से कहीं भी नहीं देखा, इतना बढ़िया डॉक्टर। उनके लिए मेरे को तीसरा जीवन देने के लिए उनके लिए ज़्यादा ज़्यादा धन्यवाद बोलता हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर डी एस राय, हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी, आर एन टेगोर हॉस्पिटल, कोलकाता। हम यहाँ हम लोग ये यूनिट शुरू किया 2005 में, और अभी इंडिया में ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर यूनिट है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। सबसे ज़्यादा डायलिसिस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और रिजल्ट खूब अच्छा है, इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। होल ऑफ ईस्टर्न इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सब जगह से पेशेंट आते हैं। जो पेशेंट दूसरा जगह मना करते हैं, जो मान लीजिए जैसे ब्लड ग्रुप अलग है, पेशेंट का और डोनर का ब्लड ग्रुप अलग है, हम आसान से करते हैं। 200 से ज़्यादा एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट किए हैं, और वो लोग अच्छे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल एज वेल एज किडनी फंक्शन दोनों अच्छा रहता है। सिमिलरली मैं आज बात कर रहा हूँ मिस्टर भीम प्रसाद का। भीम प्रसाद जी काठमांडू से आए हैं, नेपाल काठमांडू से। उनका पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2000 में, फिर दूसरा ट्रांसप्लांट हुआ 2009 में, क्योंकि नॉर्मली किडनी 10-12 साल चल सकता है, उसीलिए ख़राब हुआ था। और अभी फिर उनका किडनी फेलियर हुआ और वो डायलिसिस में रहे। वो दिल्ली गए, नेपाल में भी कोशिश किए, बट थर्ड ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी पेशेंट का थर्ड ट्रांसप्लांट किए हैं, तो उनका भी ट्रांसप्लांट किए हैं। अभी आप उनको देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कितना हेल्दी लग रहे हैं, कितना अच्छे लग रहे हैं, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक 7-8 दिन में जैसे हम डिस्चार्ज करते हैं, ऐसे उनको डिस्चार्ज किए हैं। और हम आशा करेंगे भीम प्रसाद जी का कि लंबा लाइफ हो और लंबा लाइफ रहेगा। तो ये जो डिफ़िकल्ट ट्रांसप्लांट होता है, 3 बार करना है, उनके पास अभी 5 किडनी है, अपना 2 किडनी और 3 ट्रांसप्लांट किडनी, 5 किडनी है। तो वो जो डिफ़िकल्ट केसेस है, या कभी कभी हम एच एल एंटीबॉडी बोलते हैं, जिसका शरीर में डोनर का अगेंस्ट में एंटीबॉडी रहता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऑपरेशन करना। बट हमारा यहाँ सिस्टम है, हम इसको एंटीबॉडी को निकाल के ये सब कर सकते हैं। सालों में हम लगभग 500 ट्रांसप्लांट करते हैं, और हम लोग का एक्सपीरियंस इन ट्रांसप्लांट अच्छा है, यहाँ ट्रेनिंग भी इसीलिए अच्छा है। हम दूसरे देशों का लोगों को भी, डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग देते हैं ट्रांसप्लांट या डायलिसिस या नेफ्रोलॉजी का कोई भी विषय में। तो हम आशा करेंगे और भीम प्रसाद जी का शुभकामना करेंगे कि वो अच्छे रहें, जैसे काम कर रहे थे काम करें, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ शर्मिला खनाल। आई एम डॉटर ऑफ मिस्टर भीम प्रसाद खनाल, एंड आई एम हियर टुडे टू थैंक डॉक्टर डी एस राय फॉर गिविंग माय फादर अ थर्ड लाइफ। एज ही वाज इन अ पुलिस जॉब, he had to retire from it because of his health issues. Now for our well-being, for our family, he is going to start a new business, and we hope everything will be good as it is now. Thank you.